Hello friends, welcome back to my YouTube channel MS Maths. In this video we are going to discuss about the topic integral equation and the solution of the Fredholm integral equation, second kind with separable kernel. Jo Fredholm integral equation ki hai usko hum yahan pe discuss karne wale hain. Second kind integral equation ka matlab hota hai jiske andar agar main general format likhta hu integral equation, Fredholm integral, that is phi of x into y of x is equals to f of x plus lambda 0 to 1, constant limit 0 to 1 or 0 to 1 a of x t into y t dt. अगर ये general integral equation अगर आपके पास में है और यहाँ पर like kernel जो है वो कैसा है, separable है. Separable kernel का मतलब जाएगा degenerate kernel होता है जिसको हम like summation of alpha I of x and beta I t की में लिख सकते हैं. इस टाइप के कर्नल को सेपरेबल कर्नल कहा जाता है. तो इस टाइप के कर्नल में हम क्या करते हैं, बेसिकली सेपरेबल कर्नल और सेकंड काइंड का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जिसके अंदर फाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है या फिर वाई ऑफ एक्स टी जो होता है वो टू टाइम्स आता है, फंक्शन वाई जो है वो दो बार आता है, ठीक है. तो इसको हम सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं. तो ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो हम कैसे करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे. लाइक जो एग्जाम्पल है बेसिकली हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल से ही समझते हैं. तो आई एम गोइंग टू टेकिंग एग्जाम्पल दैट इज यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस टू जीरो टू वन ई टू द पावर एक्स माइनस टी यू टी डी टी. ओके, ये एक टाइप का हमारे पास में सेपरेबल कर्नल है टू द पावर एक्स और टी के जो फंक्शन है उनको हम अलग कर सकते हैं बेसिकली इसका कहना, ठीक है. तो यहाँ से हम इसको जब लेंगे तो देखेंगे तो ये आएगा u टू टू ऑफ x e टू पावर x माइनस टू e टू द पावर x और जीरो टू वन ई टू द पावर माइनस टी यू टी टी को अलग लिख लें. तो जो t वाला जो पूरा फंक्शन है इसको हम यहाँ पर c कंसिडर कर टेकिंग दिस एज c. तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा u ऑफ x इक्वल्स टू टू एक्स ई टू द पावर x माइनस टू ई टू द टू c. तो इसका मतलब जो c हमने कंसिडर किया है दैट इज जीरो टू वन ई टू द पावर t यू टी डी टी. तो यू टी है हमारे पास में, तो हमारे पास में u ऑफ x की वैल्यू आपके पास में है तो u ऑफ x को आप यहाँ रखेंगे तो यू टी रख देंगे दैट इज c जीरो टू वन ई टू द पावर माइनस t. इसको जब हम वैल्यू को रखेंगे इस इक्वेशन नंबर वन से तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन नंबर दिस विल बी c इज इक्वल्स टू जीरो टू वन ई टू द पावर t इन टू 2t e to the power t minus 2 e to the power t dt. जब हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें बेसिकली c का वैल्यू निकालना, तो हम यहाँ पर इसको बिल्कुल इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. ये क्या हो जाएगा e to the power, क्योंकि e to the power minus t जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t और minus 2 dt हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो 0 to 1 t minus 1 dt. इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो ये 2 और ये हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो टू वन इंटीग्रेशन हो जाएगा और हमें सी का वैल्यू कैलकुलेट तो ये आ जाएगा. अच्छा यहाँ पर सी भी तो है ना साहब, एट टू सी टू सी है तो ये सी हो जाएगा तो ये सी. ओके, जब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा टू टू तो कैंसिल हो जाएगा और इंटू वन टू प्लस एक सेकेंड माइनस ई स्क्वायर बाई टू हम टू कैंसिल हो जाएगा तो ई स्क्वायर इंटू टू वन माइनस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा वन टी ये हो जाएगा जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस टू सी इज इक्वल सी बेसिकली सी 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 इज इक्वल सी आपके पास उस सी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे टू ऑफ टू एक्स माइनस ई टू एक्स इन टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस टू ई टू द पावर एक्स इंटू वन बाई थ्री पावर एक्स एक्स माइनस यू
बिल्कुल इजी से कैलकुलेट कर, कि हमें u ऑफ x फाइंड करना होता है अल्टीमेटली वो हमें क्या करना होता है, आपको एक को कांस्टेंट लेट करना होता है, दूसरे को आपको सॉल्व करना है। ये होता है रिजॉल्वेंट सॉरी सेपरेबल कर्नल का सॉल्यूशन। अब अगर आपको एक नेट 2003 दिसंबर में जो हुआ उसकी बात करते हैं, तो उसमें गिवन है कि आपको y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x सॉरी y x इक्वल्स टू लैम्डा 0 टू 1 x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस t y t dt में लैम्डा क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए जो लैम्डा होगा उसका वैल्यू कैलकुलेट करना, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, कर्नल को सेपरेट करेंगे, तो y ऑफ x लैम्डा और उसके साथ में x स्क्वायर e टू द पावर x को बाहर लिख देंगे 0 टू 1 e टू द पावर t i t dt को हम यहाँ पर c कंसीडर, तो हमने c कंसीडर, तो ये क्या हो जाएगा c इज इक्वल्स टू सबसे पहले तो y ऑफ x आपको क्या मिल जाएगा y ऑफ x x स्क्वायर e टू c हो जाएगा, और c जो है वो क्या हो जाएगा 0 टू 1 e टू द पावर t y t dt। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम इसकी वैल्यू रखेंगे c इज इक्वल्स टू 0 टू 1 e टू द पावर t, ये क्या हो जाएगा लैम्डा t स्क्वायर पर लैम्डा t स्क्वायर e टू द पावर t इनटू c dt हो जाएगा। हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा लाइक c बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 t, ये हो जाएगा पर c लैम्डा बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास ए t स्क्वायर e टू द पावर 2t dt हो जाएगा। ओके जब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c इज इक्वल टू c लैम्डा, इसको कट नहीं करना है, c का वैल्यू निकालना है, c नॉन जीरो के लिए वैल्यू निकालना, तो ये हो जाएगा आप 0 टू t का जब इंटीग्रेशन करेंगे वो टू टाइम्स इंटीग्रेशन होगा, दो बार इंटीग्रेशन लेट लगा ये e स्क्वायर माइनस 1/4 आएगा आपके पास, और अब क्या करना है तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो c माइनस e लैम्डा e स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपके पास में c इंटू 1 इंटू स्क्वायर माइनस 0, c 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि आपको क्या ऑन 0 सॉल्यूशन बोला, ये 0 के इक्वल नहीं, 1 माइनस लैम्डा e टू द पावर 2 माइनस 4 0 के इक्वल होगा और लैम्डा इज इक्वल टू ये आ जाएगा है 4 अपॉन माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है तो इस लैम्डा के लिए इसका जो सॉल्यूशन वो नॉन जीरो, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सीधे पूछे हैं, तो सेपरेबल कर्नल वाले जो सॉल्यूशन है उसको हम यहाँ पर इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेपरेबल कर्नल में एक और टाइप का आपके पास में होता है जिसके अंदर सेपरेबल कर्नल जो है, एक तो ये मेथड हो गया, एक होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं उसके अंदर और उसके थ्रू हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होता है वो, कि अगर आपके पास में लाइक फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन होता है इफ वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा 0 टू ए टू बी एम कंसीडर ए ऑफ टी वाई टी डी टी is a Fredholm integral equation, तो यहाँ पर a of x t जो होता है separable kernel, okay, separable kernel हो जाएगा, इस form में लिख सकते हैं x के function और t के function के form में अलग अलग लिख सकते हैं x and t के form में। तो सबसे पहले केस में हम क्या करेंगे, वर्किंग रूल की बात करें, सबसे पहले केस में हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिडर करें, हम यहाँ पर एस ओ एल ई कंसिडर करेंगे जो कि होगा 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 और यहाँ पर सी 1 होगा, इसके साथ में क्या होगा इंटू सी 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 सी 2 माइनस लैम्डा अल्फा 3 C3 ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पर आएगा बीटा 1। सिमिलरली जब नेक्स्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा अल्फा 2 1 इंटू सी 1 माइनस
नहीं होगा, प्लस होगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला माइनस आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा वन माइनस लैम्डा अल्फा टू टू इंटू सी टू प्लस माइनस जाएगा वापस अल्फा टू थ्री सी थ्री इज इक्वल्स टू बीटा। तो ऐसे ये जो है वो आपके पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या करना है आपको, बीटा आई जो होंगे वो किसको डिनोट करेंगे, ए टू बी बी आई टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी निकालना है, और अल्फा आई जे जो होंगे वो होंगे ए टू बी बी आई टी और एफ आई टी डी टी, इनके वैल्यूज से आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है अल्फा आई जे और बीटा आई की, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, इसमें भी अलग अलग टाइप की सिचुएशंस आपके पास में होती है। अगर आपके पास में ऐसा होता है, या फिर क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, जैसे वन फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं केस नंबर वन के बारे में, तो क्या हो कि एटलीस्ट वहां पर क्या होना चाहिए, वेन एटलीस्ट वन बी आई वन बीटा आई जो है इज नॉन जीरो, अगर एटलीस्ट एक भी बीटा आई नॉन जीरो है देन सिस्टम जो होगा इज नॉन होमोजीनियस, सिस्टम नॉन होमोजीनियस होगा, इट मींस एफ ऑफ एक्स होगा जो कि नॉट इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स कैसा हो जाएगा लाइक नॉट इक्वल्स टू जीरो, केस के अंदर क्या होगा वन ई लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन आपके पास में क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन होगा यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा, एंड सेकंड डी लैम्डा अगर जीरो हो गया तो उस केस में आपको क्या मिलेगा आइदर वो सॉल्यूशन और फाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों में से कोई भी एक। तो ये हो गया केस नंबर, इसी टाइप से हम केस नंबर टू की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड बी आई जीरो, वहां पर क्या होगा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू नॉन जीरो, डी लैम्डा नॉन जीरो का क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और सेकंड डी लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो हो गया तो उस केस में आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, और केस नंबर थर्ड की बात करते हैं, केस नंबर थ्री, तो केस में क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब नॉन होमोजीनियस बट ऑल बीटा आई इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर भी ऑल हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा लैम्डा अगर नॉट जीरो है तो उसमें आपको यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसमें आपको जीरो सॉल्यूशन भी साथ में मिल सकता है, जीरो सॉल्यूशन भी मिल सकता है इसमें नॉन जीरो मिल, और सेकंड क्या हो जाएगा डी लैम्डा इक्वल्स टू जीरो हुआ तो आपको यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पता करने, ये आपको यहाँ पर ध्यान। ओके, हमें क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे और किस टाइप से हम उसके सॉल्यूशन को यहाँ पर बता सकते हैं कि नॉन नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, फिर कैसा सॉल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन करते हैं, तो इफ फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू बाई पाई जीरो टू पाई प्रेडोमेंटिकल इक्वेशन कॉन्स्टेंटली टी पाई टी डी टी, तो जो कर्नल है हैज नो सॉल्यूशन, कह रहा है हैज नो सॉल्यूशन फॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, और नो सॉल्यूशन, बात करते हैं इसके सॉल्यूशन। कर्नल जो है सबसे पहले उसकी बात करते हैं, कर्नल यहाँ पर सेपरेबल है या नहीं है, के ऑफ एक्स टी जो है वो प्लस टी सेपरेबल कर्नल है जो कि क्या हो जाएगा cos of t माइनस sin of x of t, समीशन ऑफ एफ आई जी एल, समीशन ऑफ x का फंक्शन इंटू t का फंक्शन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर दिस इज एफ वन एफ टू टी टू, तो यहाँ पर आपके पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू डायमेंशन का सिस्टम इज वन माइनस लैम्डा अल्फा वन वन इंटू टी वन माइनस ये क्या हो जाएगा अल्फा वन टू लैम्डा इंटू
क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू वन टू इंटू सी टू इज इक्वल बीटा वन, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा अल्फा टू वन सी वन माइनस सी वन माइनस आ जाएगा वन माइनस माइनस प्लस होगा वन माइनस लैम्डा अल्फा टू टू इंटू सी टू इज इक्वल टू बीटा। हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यूज निकालनी है। पहले निकाल हम अल्फा वन क्योंकि तो क्या हो जाएगा जीरो टू पाई। अब देखो जी वन एफ वन डी टी वैल्यू निकालेंगे पाई कॉस स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल, वैल्यू कैसे निकालेंगे जीरो टू पाई वन प्लस कॉस ऑफ टी अपॉन टू, इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाई टू। सिमिलरली हम निकालेंगे अल्फा वन टू जो कि हो जाएगा जीरो टू पाई जी वन टू डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पर जीरो टू पाई ये हो जाएगा यहाँ पर साइन साइन टी कॉस टी। ओके ये आ जाएगा आपके पास जी वन का वैल्यू तो है कॉस ऑफ टी, एफ टू का वैल्यू है साइन ऑफ एक्स, क्योंकि हमें उसको टी के रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करना तो हम उसको टी में ही कन्वर्ट कर देंगे। ओके पूरा फंक्शन हम टी में ही ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन टी माइनस और ये हो जाएगा डी, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन टू टी हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जीरो। सिमिलरली हम अल्फा टू वन कैलकुलेट करेंगे जो कि हो जाएगा जीरो टू पाई टू टू सॉरी जी टू एफ वन डी टी, इसका वैल्यू भी जीरो आ जाएगा। और अल्फा टू टू फाइंड करेंगे दैट इज जीरो टू पाई जी टू एफ टू डी टी इज इक्वल्स माइनस ऑफ जीरो पाई साइन, इसको भी हम उसमें माइनस ऑफ पाई बाई टू। इट मीन्स यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, लैम्डा जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन इस टू पाई पाई है, और अब हम यहाँ पर इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें बेसिकली इन दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे तो जीरो 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 एंड क्या आ जाएगा पास में टू। ओके इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर सी वन हो जाएगा सी वन सी टू। देखो हमने यहाँ पर है ना लैम्डा और इनमें है ना वैल्यू ये पुट कर दिया तो वन माइनस टू बाई पाई इंटू पाई बाई टू वन माइनस जीरो, यहाँ पर इसका वैल्यू ऑलरेडी जीरो, यहाँ पर जीरो क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस ये वन प्लस वन टू हो जाएगा और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा तो फाइंड करना है बीटा वन बीटा टू। यहाँ से आप देखेंगे तो बीटा वन का वैल्यू जीरो टू पाई जी आई इंटू एफ क्या हो जाएगा वन इंटू एफ डी टी, तो ये क्या हो जाएगा जीरो टू पाई कॉस स्क्वायर टी डी टी का वैल्यू आ जाएगा बाई टू। बीटा टू का वैल्यू निकाल हो जाएगा बाई टू डी टू इंटू एफ डी टी उसका वैल्यू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा बाई टू हो जाएगा। अब देखो जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो जीरो 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 टू और ये हो जाएगा फाइव बाई टू जीरो, तो आप देखेंगे रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, आर्ग्यूमेंट बी का रैंक टू है और इसका रैंक वन है। क्या होता है इस केस के अंदर, केस के अंदर हम है तो आप ऐसे इसका इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के भी आप पता कर सकते हो, अदरवाइज ये जो कंडीशंस लिखी है इन कंडीशंस के थ्रू भी आप पर इसका सॉल्यूशन फाइंड। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने यहाँ पर फ्रेडहोम इक्वेशन के जो सेपरेबल कर्नल गिवन होता है जिसमें हम सेकेंड काइंड के इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर के लिए हम सब्सक्राइब करें। थैंक यू।